मैडम जाते हुए आपके दोनों साइडों पर सड़क के अगर दोनों साइडों पर आप देखें तो फलों के बागात है, आड़ू है, खुबानी है, नाशपाती है, अमलूक है, सेब है। तो आपका दिल जो है ना चाहेगा कि मैं यहाँ रुकूं और कुछ देर सेब के बाग में चला जाऊं, आड़ू के बाग में चला जाऊं और थोड़ी देर के लिए इस दुनिया से हट के एक और दुनिया में जो है ना अपने आप को महसूस करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत वादी है। मेन रोड है कांजू से और चकदरा से, जो मेन रोड सीधा रोड है, कहीं पर नहीं है। यहाँ पर अगर आप ये बोर्ड देखें तो कालाम, बहरेन, मदियन और दूसरे साइड पे लिखा हुआ है बागडीरी और म्यादम। तो आपने अगर कालाम जाना है तो सीधा, और अगर आपने म्यादम जाना है तो आपने राइट मुड़ना है। तो यहाँ से जो है ना आप राइट मुड़ेंगे और बागडीरी जो है ना ये भी एक, मैं कह सकता हूँ कि एक इस्तकबालिया पॉइंट है। ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ दरिया स्वात के मौज मस्त लहरें और बहुत ही पुरसकून और बहते झरने, यहाँ पर आपको आबशारें भी मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर जो सैयाह आते हैं वो यहाँ पर रुक के दरिया स्वात के जो मौज मस्त लहरें हैं वो ज़रूर इंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल दरिया स्वात, अगर आप नीचे देखें तो खूबसूरत, मतलब इसका जो अंदाज है, उसकी जो लहरें हैं वो बहुत ही तेज है। यहाँ प्रकरण बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर होटल भी है और इसके साथ साथ बागात है। बागडीरी इसलिए मशहूर है कि बागडीरी जो है ना बागात है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इधर लेके जाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रियासत स्वात के दौर का जो होटल है, यहाँ पर रेस्ट हाउस है। तो अभी तो ये बंद है, लेकिन किसी वक्त में इसका बहुत बड़ा नाम था, बहुत ही बड़ा जो है ना यहाँ पर फिल्में बनती थी और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे। तो दरिया स्वात अगर आप देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी जगह, मतलब अगर आप नीचे जाए तो इसने किलोमीटरों के हिसाब से रकबा जो है ना वो अपने कब्जे में लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर दरिया स्वात बिल्कुल महदूद हैं और अपने मतलब एक मखसूस जगह में जो है ना वो बह रहा है। तो काफ़ी ये बेहतरीन है। इंशाल्लाह म्यादम में मिलेंगे, वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि म्यादम वैली किस तरह है। तो ये जाते हुए आप यहाँ भी रुक सकते हैं और यहाँ फोटोग्राफी कर सकते हैं और यहाँ से फिर म्यादम, तो म्यादम में मिलेंगे। मुड़ना है लेफ्ट जो है ना, ये हम बिल्कुल मेन जीटी रोड पर हम आ गए हैं, जो मिंगवारा से सीधा कालाम के लिए और म्यादम के लिए जो रोड, मदियन के लिए, बहरेन के लिए, ये मेन जो रोड है।
और इस पर हम अभी सफ़र कर रहे हैं। ये भी बेहतरीन बना दिया है, पहले ये भी ख़राब था, अब ये भी बेहतरीन हो गया है। यहाँ पर तकरीबन गुज़श्ता साल इसकी जो कंप्लीशन है वो मुकम्मल हो गई है और ये भी बेहतरीन रोड बन गया है, बिल्कुल चौड़ा, क्योंकि मिंगोरा से ये डायरेक्ट मेन जीटी रोड है ये, और वो वाला जो रोड है वो कांजू से और चकदरा से जो निकलता है सीधा एक्सप्रेस वे इसको कहते हैं, और ये मेन जीटी रोड है। दरिया के दोनों साइडों पर आप सफ़र कर सकते हैं, लेकिन चूँकि अगर आपने म्यादम आना है तो म्यादम के लिए आपको ज़रूरी है कि आप मेन जीटी रोड पे आए। तो या ये सबसे पहले यहाँ पर शिन आएगा, शिन के बाद फिर फतेहपुर। अब ये अब हम इस वक्त फतेहपुर में हैं और फतेहपुर से ही म्यादम के लिए फिर 10 किलोमीटर शाख निकलता है, तो वहाँ पहुँच के आपको फिर दिखाएंगे कि वहाँ किस तरह हम मुड़ते हैं। सामने अगर आप देखें तो म्यादम वैली जो है ना यहाँ से शुरू हो जाती है। ये फतेहपुर में हम सफ़र कर रहे हैं और फतेहपुर ही ये फतेहपुर का तकरीबन आखिरी हिस्सा है। यहाँ से हम इसको तहसील चौक फतेहपुर कहते हैं और यहाँ से फिर आपको ये पुलिस चौकी फतेहपुर, और यहाँ से अब हम दो रास्ते हैं, अगर आप सीधा देखें तो मदीन कालाम और राइट को अगर आप देखें तो म्यादम। तो अब हम म्यादम की तरफ मुड़ रहे हैं और ये अगर आप देखें तो बाबे म्यादम लिखा हुआ है और ये वेलकम टू म्यादम वैली जो है ना यहाँ से शुरू हो जाती है। तो अब हम म्यादम के रोड पर आ गए हैं। ये मेन रोड से जो मेन जीटी रोड है यहाँ से तकरीबन कोई ये 10 किलोमीटर है और ये सतह समंदर से 7500 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ मौसम गर्मियों में भी इंतहाई खुशगवार रहता है और सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़बारी खूब हो जाती है। तो हम म्यादम में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, आप हमारे साथ रहें। इस वक्त हम म्यादम में दाखिल हो रहे हैं और ये अगर आप देखें तो म्यादम बिल्कुल सामने इस वैली का जो नज़ारा है वो इंतहाई शानदार है। यहाँ पर सरसब्ज पहाड़ है, घने जंगलात है, और अगर आप जून जुलाई के अलावा भी अगर आप देखें तो पहाड़ों पर अभी भी बर्फ़ मौजूद है, क्योंकि ये जून का महीना है। और यहाँ पर तो ये बहुत ही मतलब खूबसूरत है, इसका जो इंफरादियत है वो ये है कि ये पुरसकून है, यहाँ शोर शराबा बहुत नहीं है और पुरसकून वैली है और काफ़ी मतलब ये जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं तो वो ज़रूर मतलब यहाँ रुकते हैं, यहाँ पर होटल भी काफ़ी तादाद में हैं। म्यादम बाज़ार छोटा सा बाज़ार है लेकिन इसमें ज़िंदगी की तमाम ज़रूरी अशिया जो है ना वो बिल्कुल आसानी से मिल जाती हैं। इंसानों से ज़्यादा गाड़ियाँ ये सारे टैक्सी हैं, ये आपको मैं बता दूँ कि ज़्यादातर टैक्सी गाड़ियाँ हैं।
ये सैयाहों का पसंदीदा मुकाम है। यहाँ पर PTDC मोटल भी है और दिगर जो प्राइवेट होटल्स है वो भी काफ़ी तादाद में है। यहाँ रेस्ट हाउसेस भी है। जी बिल्कुल, स्वात की हसीन वादी म्यादम में मैं मौजूद हूँ जो खूबसूरत नज़ारों सुहाने मौसम के लिए मशहूर है। सूबाई हुकूमत ने सियाहती मकामात खोलने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त म्यादम होटल एसोसिएशन के सदर रज़ा खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या वो इस ओपीस को फॉलो कर लेंगे और वो इस फैसले से खुश है या नहीं, क्या बताएँगे आप? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बाद में मैं बासियत होटल एसोसिएशन म्यादम का सदर इमरान ख़ान और महमूद ख़ान साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उसने टूरिज़म को बहाल करके हमारे होटल एसोसिएशन पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम और भी उम्मीद करते हैं कि सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत यहाँ पे और मेहमानों को सहूलत दे। दूसरी बात यह है कि मैं आपके चैनल के वसातत से इमरान खान साहब को एक याद दिलाना चाहता हूँ। जब इमरान खान साहब म्यादम आया था तो उसने ये कहा था कि अगर उस वक्त उसी मौका पर बागडेरी के खालिद खान भी मौजूद था कि इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं म्यादम से स्विट्ज़रलैंड बना दूंगा। तो मैं आपके चैनल के वसातत से उसको याद दिलाना चाहता हूं कि वो म्यादम के लिए कुछ न कुछ करे, शायद ये मौका दोबारा इमरान खान को मिले या न मिले, इसी से पैदा उठाना चाहिए और म्यादम के टूरिज्म के लिए कुछ काम करना चाहिए। वस्सलाम। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद नवाब भी हमारे साथ मौजूद है, इनकी बहुत सारी कोशिशें हैं, उन्होंने काफ़ी दफ़ा बहुत कोशिश की है आल स्वात होटल एसोसिएशन की जानिब से ये प्रमोशन के हवाले से कि ताकि सयाद जो है ना वो बहाल हो। सैयद नवाब साहब, ये बताए कि क्या आप कहेंगे, क्या इस ओपीस को आप लोग फॉलो करेंगे, क्या आप हुकूमत के शुक्रगुजार हैं? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आए और हमारी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाया। हम वफाकी गवर्नमेंट जनाब इमरान खान साहब और चीफ मिनिस्टर KPK महमूद खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ साथ स्वात इंतज़ामिया की भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है। अब इस ऑफिस की बात है तो हर होटल वाले इंशाल्लाह ताला इस ऑफिस पर अमल करेंगे जो हुकूमत ने हमें गाइडलाइन दी है, उससे आगे पीछे इंशाल्लाह हम नहीं करेंगे। हमने तमाम होटल वालों को मीटिंग भी बुलाया था, उसमें सबको समझा दिया है कि हुकूमत ने जो इस ऑफिस मुकर्रर किया है कि रिसेप्शन पे जो बंदा हो वो मास्क पहने, ग्लव्स पहने, सैनिटाइज़र रखे, हाल में टिश्यू पेपर रखे, तौलिया हम नहीं रखेंगे। इंशाल्लाह जो होटल के गेस्ट डिपार्चर होंगे हम दोबारा उसको डिसइंफेक्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह जो इस ऑफिस हम उस पर अमल दरामद करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा ये वाजे कर दूं कि स्वात में तकरीबन 840 के करीब छोटे बड़े होटल है, इससे जुड़े अपराध जो है ना उसमें खुशी की लहर दौड़ गई है और वो ये कहते हैं कि हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं क्योंकि तकरीबन 400,000 अपराध जो है ना वो सियाहत से जुड़े हैं और उनकी रोज़ी रोटी इससे जुड़ी है, तो काफ़ी मतलब इन लोगों को दोबारा रोज़गार के मौके मिलेंगे और सियाहत बहाल होने पर इन लोगों ने शुक्र अदा किया, हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जी ज़ाहिर अली है जी, एवरग्रीन होटल से ताल्लुक़ है हमारा। अच्छा, और ये हमारा बहुत खूबसूरत इलाका है वदी म्यादम। जी जी, ये बहुत पुरअमन इलाका है, इधर ट्राउट फार्म और नदी चश्मे, हर तरफ हरियाली हरियाली है,
मेहमानों को हम गहरे दिल से उसको खुश आमदीन कहते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम है गौर रहमान, होटल में आदम पैलेस से ताल्लुक़ रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। पहले तो बात यह है कि हुकूमत ने जो SOPs के बयान किया हुआ है उस पर हम सख्ती से अमल करेंगे, और जो फैसिलिटीज़ हम आदम में दे रहे हैं वो पूरी स्वाद में किसी और नहीं दे रहे जी, क्योंकि ये एक ऐसा मुकाम है वादी में आदम कि ये पुरफिजा मुकाम है, ऊंचाई पर है और यहाँ का मौसम बेहतरीन है जो आपको अभी देख नज़र आ रही है। और सबसे पहले मैं टूरिस्ट को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप जो जब स्वात आ जाए तो मियादम एक ऐसी जगह पर मौजूद है जो सेंटर है, जो पूरी स्वात से जो है ना लोग घूम सकते हैं आसानी से, बिल्कुल, क्योंकि मलमजब भी जा सकते हैं, आगे मदीन और कालाम भी जा सकते हैं। तो ये लोगों को बहुत आसानी से ये मियादम जो है ना अगर इधर आ जाए और ये मियादम देख ले, सैर कर ले, तो आगे जो जो टूरिस्ट स्पॉट है जो आसानी से देख सकते। जी बिल्कुल, अब हम PTDC मियादम में मौजूद है। PTDC मियादम एक तारीखी होटल है और ये रियासत स्वात में मतलब एक मशहूर मुकाम था और अब भी है, चूँकि मियादम के खूबसूरत नज़ारे, सुहाना मौसम हर कोई अपनी तरफ खींच लाता है और काफ़ी तादाद में सयाह इस वादी का रुख करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे PTDC होटल में कौन कौन से शख्सियत तारीखी यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर ठहरे हैं, और रज़ा खान से जानेंगे। रज़ा खान, ये बताएं कि यहाँ पर मतलब कौन से रियासत स्वात के हुक्मरान यहाँ पर ठहरे, कौन कौन से यहाँ पर लोग आए हैं? ये जो मियादम है जी, इसमें एक मुशर्रफ साहब नहीं है, बाकी जितने सरबरा पाकिस्तान का रहा है, अच्छा, उसने सब का मियादम का दौरा किया हुआ है। ठीक है, ये जो सामने रूम नंबर 1 है, अच्छा, ये हमारा वाली स्वाद का रूम था स्पेशली। ठीक है, वो है, लेकिन वो जब वाली स्वाद का रूम था तो सदर, उस वक्त सदर अयूब साहब जब आता था तो यहाँ ठहरता था। ठीक है, इस रूम को ये एजाज भी हसीन है की यहाँ पे मलका अल जिब्बत इसी जगह पर आकर और उसने भी रात इसी कमरे में गुजारा है। ये मियादम जो है इसमें नवाज शरीफ साहब आया है। ठीक है, इसमें ये इमरान खान साहब जो है, ये मियादम जब इमरान खान साहब का हुकूमत नहीं था और जब यह पोजीशन में था तो ये मियादम तो इमरान खान साहब का आने जाने का बड़ा अच्छा जगह था। ये जो चिनार का दरख्त है इसके नीचे मैं, इमरान खान साहब और खालिद खान बागडेरी, उसने यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहा था तो उसने ब्रेकफास्ट में कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं मियादम से ऐसे दूसरा स्विट्जरलैंड बना दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी इख्तदार की कुर्सी ऐसी है कि इमरान खान साहब को शायद हो सकता है कि वो मैडम भूल गया है। नहीं मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान आपने तो जब वो सियासत में आए तो आपने देखा था, लेकिन मैंने 1982 में इमरान खान को इधर मैंने खुद देखा। मैडम मैं देखा, मैंने 1982 में जब वो क्रिकेट में जब वो खेल रहा था और उरूज पर था, इन दिनों वो आए थे और मैंने इनसे ऑटोग्राफ भी लिया था, और उस वक़्त से मतलब वो स्वात मतलब आया करते थे, और अब भी मतलब जब वो सियासत में आए तो कई दफ़ा वो आए यहाँ से, 2 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो बात हमारी हो रही थी यहाँ ऐसे तारीखी मतलब PTDC मोटल की, तो PTDC मोटल के अलावा यहाँ पर आपको तकरीबन दर्जनों ऐसे छोटे बड़े होटल आपको मिलेंगे कि काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे होटल हैं और इनकी जो रेट है वो भी मुनासिब है। तो आगे चलते हैं, आपको एक और जगह मतलब मियादम में ही हम हैं, लेकिन मियादम में एक और जगह पर आपको ले जाना है ताकि आपको आज मियादम की भरपूर सैर कराया जाए। हमारे साथ रहिए।
आपने देखा पीटीडीसी के बाद हम एक ऐसे होटल पे आए हैं जहां पर सयाहों को वो तमाम सहूलियात मुयस्सर है। जैसा कि मैंने कहा था कि पीटीडीसी के अलावा यहां पर दर्जनों होटल ऐसे हैं जो इस काबिल है और वो बेहतरीन होटल है जिसमें सयाहों को तमाम सहूलियात दी जा रही है। इस वक्त सदर हमारे साथ मौजूद है, टूरिज्म प्रमोशन के सदर हमारे साथ मौजूद है। आप नवाब साहब ये बताएं कि आप लोग क्या सहूलियात दे रहे हैं म्यादम में और कितने होटल्स हैं यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये म्यादम में जो अभी नया होटल बना हुआ है लॉर्ड पैलेस इसका नाम है जी, तो आप खुद ही समझते हैं कि लॉर्ड किसे कहते हैं और पैलेस किसे कहते हैं। सही। तो इससे आप नतीजे निकाल लें कि यहाँ पर बेहतरीन सहूलतें जो लॉर्ड लैंड लॉर्ड वालों के लिए मिलते हैं वही सहूलत इस लॉर्ड पैलेस होटल में उनको मिलेगी। ठीक है। और रेट भी बड़े रीजनेबल रेट है। ठीक है। और इसका इफ्तिताह इंशाल्लाह ताला 7 जून को, तो एक हम 7 जून को इसका इफ्तिताह करें। कौन करेगा इसका इफ्तिताह? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान तो नहीं जाएंगे इंशाल्लाह? उम्मीद तो यही है कि उससे बात करेंगे कि हो सकता है कि महमूद खान आ जाए। अच्छा। अगर महमूद खान ही है तो फिर हमारी पीएम शराफतरी आ जाएंगे। ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे कि इसको हम कवर करें। हमारे साथ म्यादम होटल एसोसिएशन के सदर मौजूद है रजा खान। रजा खान आप ये बताएं कि कितने होटल्स हैं यहाँ पर और कितने यहाँ पर कोई इस जो ये मेन म्यादम है इसके अलावा कोई पॉइंट्स है यहाँ पे? तो प्राइवेट होटल जो है वो 13 है। अच्छा। बाकी आर्मी हाउस है, नेवी हाउस है, बल्दिया हाउस है, कमिश्नर हाउस है, पीटीडीसी होटल है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपना मकानात भी बनाया है और यहाँ पे टूरिज्म टूरिस्टों के लिए बहुत अहम तरीन मुकामात है। अच्छा। यहाँ पे सबसे पहले तो म्यादम में बगला, बगला जो है इसका असल नाम जो है वो अलजब्बत पॉइंट है। अच्छा। इसलिए कि अलजब्बत ने वहाँ का दौरा किया था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जोखा है, मुला बांडा है, चड़गी बांडा है, जौड़ी है, यहाँ पे कालदार है, यहाँ पे डंडा है, यहाँ पे शहीद अबय है, यहाँ पे शामसर है, यहाँ पे गढ़सर है। यहाँ ऐसी मकामात है कि अगर एक टूरिस्ट आ जाए और यहाँ पे महमूद खान साहब रोडों का बंदोबस्त कर दिया जाए, म्यादम में हर टूरिस्ट का एक हफ्ता कम से कम एक हफ्ता लगेगा। ठीक है। मतलब लेकिन सिर्फ मसला ये है कि सड़कों की वजह से हमारा। अच्छा, अगर कोई मेहमान आता है म्यादम में तो म्यादम में खूबसूरत नज़ारों सुहानी मौसम के अलावा क्या देख सकता है? यहाँ तो सबसे पहले वो ये समझ लेगा कि पूरा दुनिया में एक ऐसी भी जगह है कि वो अमन का घर है। ये म्यादम सबसे पहले इसका जो बेहतरीन बात है वो ये है कि यहाँ अमन। यहाँ पे एक टूरिस्ट यहाँ से बेशक वो 10 मिनट फासले पर टूर जाए वहाँ पे उसको कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है, मैं समझ गया। असल में क्योंकि हमारे सदर साहब का ये मकसद है और इनका कहना है कि ये एक पुरअमन इलाका है, यहाँ जो म्यादम के लोग हैं वो इंतहाई मेहमान नवाज है और आपको पता है मेहमान नवाज पख्तून जो है ना वो मेहमान नवाज ही होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग वाकई मेहमान नवाज है। और आप अगर म्यादम आते हैं आप थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको बहुत सारे खूबसूरत मकाम मिलेंगे और सड़कों के हवाले से जितने नाम सदर रजा खान ने लिए, अगर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस तरफ ध्यान दे और सड़कों का जाल बिछा दिया जाए, चाहे वो इस पहले मरहले में पहले स्टेज में अगर वो पुख्ता ना हो तब भी ठीक है, लेकिन अगर उसको मतलब कोई स्ट्रक्चर बना दिया जाए तो मेरे ख्याल में म्यादम पहले से, चूँकि ये रियासत के दौर से एक सियाहती मुकाम है और यहाँ पर जैसा कि रजा खान साहब ने कहा कि मलका अलजिब्बत भी यहाँ आ चुकी है, इमरान खान भी आया है, नवाज शरीफ भी आया है, सिवाय मुशर्रफ के बाकी सब जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं जितने भी वो यहाँ आ चुके हैं और यहाँ क़याम कर चुके हैं। तो म्यादम एक तारीखी और लिहाज से और खूबसूरती के लिहाज से और मौसम के लिहाज से बेहतरीन है। हमारे साथ रहिए, आगे मिलते हैं। जी बिल्कुल, म्यादम एक ऐसी वादी है, अगर आप मेरे पीछे देखें तो घने जंगलात है, बर्फ़ से ढके पहाड़ है, बादल है और ख़ूबसूरत नज़ारे हैं, सुहाना मौसम है। मैं आपको बताऊं कि म्यादम एक
तकरीबन ये मिंगवारा शहर से 55 किलोमीटर के फासले पर है और सतह समंदर से 7,500 फीट की बुलंदी पर है। सर्दियों में यहाँ पर 3-4 फुट बर्फबारी पड़ती है। ये जो नीचे अगर आप वादी देखें, इनकी जो बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर है वो बेहतरीन है, खूबसूरत मतलब अंदाज में तामीरात की गई है और यहाँ पर तकरीबन कोई 15-20 के करीब होटल है। इसके अलावा यहाँ पर तमाम इदारों के, मैं समझ सकता हूँ कि तमाम इदारों के मतलब यहाँ पर आर्मी, वापडा, फॉरेस्ट, PTDC और तकरीबन हर किस्म के रेस्ट हाउस यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर ये रेस्ट हाउस यहाँ ना होते तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सियाहती मुकाम ना होता ना, तो इतनी बड़ी तादाद में रेस्ट हाउस का होना, ये एक पुरसकून खूबसूरत वादी है। अगर आप पहाड़ों के उस टॉप पर आप देखें तो ये बिल्कुल उस सेट पे शंगला है और इस पहाड़ के इस तरफ ये स्वात है, म्यादम है और ये सियाहती मकामात है। अगर आप ये रूट देखें तो ये रूट भी मतलब इस तरह जंगल को जाता है। तो जब भी आप म्यादम आते हैं तो म्यादम में आपको ढेर सारे जगह जो है ना वो देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ ये जो इलाके हैं वो पुरसकून भी है और रास्ता भी ठीक है, दूर भी नहीं है और आप म्यादम को बेस भी बना सकते हैं। मतलब अगर आप म्यादम आए तो म्यादम से आप कालाम गए, फिर आए आप मिंगवारा गए, फिर आए आप मलमजबा गए, फिर आए मतलब ये एक बेस भी मतलब मुमकिन है। इसके रास्ते मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो है, एक आप कांजुल वाली साइड पे, चकदरा वाली साइड पे और दूसरा आप मेन GT रोड से मिंगवारा से होते हुए, तो दोनों साइडों से ये एक मतलब फजा मुकाम है, मशहूर है, रियासत स्वात के दौर से जो है ना ये काफ़ी मशहूर है और यहाँ पर मलक अलजबत भी और इस तरह सदर पाकिस्तान सदर अयूब खान भी और हमारे रियासत स्वात के वाली स्वात वो भी यहाँ पर हमने आपको पहले दिखाया कि वो इनके कमरे भी PTDC में यहाँ पर थे। तो मुकामी लोगों से भी हमने बात की, यहाँ के लोग चाहते हैं कि सयाहत यहाँ का बहाल हो, चूँकि सूबाई हुकूमत ने अब ऐलान कर दिया है कि SOPs के तहत हम खैबर पख्तूनख्वा की जितने भी सयाहती मकामात हैं वो खोल रहे हैं। तो यहाँ के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है और वो ये कह रहे हैं कि अगर एक फैमिली लाहौर से रवाना हो जाता है और ये स्वाद पहुँच जाता है तो वो आसानी से जो है ना अपने कमरे में चला जाता है, तो इससे वायरस फैलने का कोई खदशा मौजूद नहीं है और SOPs के तहत जो भी गवर्नमेंट हमें SOPs देंगे हम उस पर अमल करेंगे, तो मेरा ख्याल में कोई इशू नहीं है। हमने आपको म्यादम की सैर कराई, म्यादम आपको कैसा लगा? मेरा ख्याल है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको मैं चाहता हूँ आप जहाँ भी रहे खाद और आबाद रहे, खुश रहे, एक दूसरे का ख्याल रखें और मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।